अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व आदाब, आप जुड़ चुके हैं इस समय TLR के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का दिन जो है वो मिलाद नबी का दिन है। 12 रबीउल अव्वल का दिन मुसलमानों की खुशी का दिन है, क्योंकि 12 रबीउल अव्वल के दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। उसी के चलते दुनिया के मुसलमान इसको जलसाए ईद मिलादुन नबी के तौर पर मना रहे हैं। बच्चे बूढ़े बड़े इसे बड़ी शान और शौकत से मना रहे हैं। इसी के साथ मैं आपको बताते चलूँ, अलग अलग जगहों पर अलग अलग मुल्कों के लोग इस वक्त इस जलसे मिलाद में शिरकत ले रहे हैं। वहीं ज़िला डोडा के लोगों ने भी इस अजीम और शान जलसे में शिरकत करके नारा तकबीर के नारा बुलंद करके परचम किया, इस्लाम को बुलंद किया और लोगों में बड़ी खुशी देखने को मिली। वरे कौन है रहमतुल आलमीन सरकार दो आलम आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के मौके पर जामिया मस्जिद से ज़िला डोडा में रैली का इनेकाद किया गया। इस रैली में लोगों ने अल्लाह के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाज़िरी दी। ये रैली ईदगाह डोडा में अहतमाम परेज हुई, जहां इस्लामी पुरजुम लहराया गया। इस रैली में DM डोडा विशेष पाल महाजन, ADM डोडा डॉक्टर रवि भारती, DSP डोडा शौकत अली भी मौजूद थे। के साथ साथ मैं आपको बताते चलूं, आशिकाने रसूल का हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का बालिहाना इजहार किया गया। दरूद व सलाम के फूल न्योछावर किए गए। आकाए दो जहां रहमतुल आलमीन खातिबुन नबीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम विलादत इंतहाई मजहबी अकीद व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इसलिए मिलाद का दिन इंसानियत, इखलाक और भाईचारे का सबब सिखाता है। मोहम्मद की ज़िंदगी का हर लम्हा लोगों को सही रास्ता दिखाने में बीती। आज उनकी यौम पैदाइश का दिन मनाने का मकसद भी यही है कि इस्लामी असूलों पर चलकर मुसलमान अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाएं, भाईचारा रखें। आप जश्न मिलाद का दिन भाईचारे का सबब सिखाता है। देखिए TLR की खास रिपोर्ट।